This movie is encoded by toonworld4all.in. Miss Samanokova. Sorry, ma'am. कहाँ खोई हो? सपने देखने का वक्त नहीं है, समझी? धरती पे लौट आओ, मिस समानोकावा. Very sorry, ma'am. ये क्या है? अच्छा, इनके शो के बारे में सोच रही हो? हाँ, मारी किमुरा के बारे में सोचना बंद करो और क्लास में ज्यादा ध्यान दो, ठीक है? इसे मैं रखती हूँ. नहीं प्लीज, मेरा आर्टिकल अभी पूरा नहीं हुआ है. 2500 साल पहले इंडिया में गौतम सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जिन्हें शाक्यमुनि बुद्धा भी कहते हैं. उन्होंने परिवार छोड़ा, संसार त्यागा, जीवन के चार दुखों का हल ढूंढने के लिए, जो है जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु. 6 सालों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्धा बन गए. हे, कहाँ खोई हो? मुझे तंग मत करो. कोई बुरा सपना देखा क्या? बहुत परेशान लग रही हो. हाँ, एक ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई मेरी ओर आ रही थी, जैसे मेरा पीछा कर रही हो. अच्छा, इसलिए इतनी डरी हुई हो? बहुत घबरा गई होगी ना? तुम इतनी फिक्र मत किया करो, ये चिंता तुम्हारा रंग रूप बिगाड़ देगी. ओह नो, मुझे मेरा आर्टिकल भी तो पूरा करना है. मैं भी तो कब से यही कह रही थी. सॉरी. हाँ, पर तुम ये रिपोर्टर्स तो 24 घंटे बिजी रहते हैं. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग शिंटा. सया तो कहाँ है? अभी भी सो रही है, शायद रात को देर तक लिख रही थी. वाह, नाश्ता तो बड़ा मजेदार लग रहा है. पर कहीं उसे देर ना हो जाए. सया को उठ जाओ बेटे. नमी की आशंका है. गुड मॉर्निंग डैड, आज आपकी नाइट शिफ्ट नहीं है क्या? देखो बेटे, आर्टिकल जरूर लिखो, पर कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठ जाया करो. जी डैड. डैड, आप बहुत कमजोर लग रहे हैं. बाजारों में तेजी का रुख. कुछ नहीं बेटे, नाइट शिफ्ट ज्यादा हो रही है ना, पर चिंता की कोई बात नहीं. और अब अगला समाचार. कल रात यूटीसी न्यूज़पेपर रिपोर्टर टोकुजो कानेमोटो ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या कर ली? क्या कहा? मिस्टर कानेमोटो भ्रष्टाचार के मामले में गलत रिपोर्ट लिखी थी, जिसके कारण उन्होंने मिस्टर कानेमोटो ने आत्महत्या कर ली. मैं उनके घर फोन करती हूँ. हाँ जरूर करना. एक और आत्महत्या, और इस बार तो अखबार के रिपोर्टर ने की है. यही वो रिपोर्टर है जिसकी साया को बहुत इज्जत करती है. सच में उम्मीद है वो ठीक हो. पेज पल तो जल्दी. हा? उस दिन उड़न तश्तरी वाली घटना का क्या हुआ? आजकल सब अजीब अजीब बातें होती है. सरकार ना? पर किसी को भरोसा नहीं रहा. इकोनॉमी का बुरा हाल है और कुदरती विपत्तियाँ. क्या होगा इस देश का? अरे वाह, रविवार को मारी किमुरा का शो है और तुम तो जरूर जाओगी. क्यों? है ना साया को? मामी, साया को ने ही तो वो आर्टिकल लिखा था, याद है? ओ हाँ, मैं तो भूल गई. कहाँ खो गई हो साया को? हमारी दुनिया में लौट आओ. सॉरी. तुमने तो मारी किमुरा के नाम पे भी कुछ नहीं कहा. या फिर अपने बॉयफ्रेंड के ख्यालों में खो गई हो ना? बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं नहीं. क्या ये सच है? क्या ये वही कॉलेज का लड़का है? क्या तुम दोनों में फिर से फ्रेंडशिप हो गई? साया को, मैंने इतने दिन तुम्हें बहुत मिस किया. मैंने भी मिस किया. साया को कितना रोमांटिक है ना? सुनो, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है. इतना मत शर्माओ लकी गर्ल. इतना मत इतराओ, समझ गई? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है जब मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? साया को कुछ नहीं. क्या था वो? क्या मैंने कुछ सुना? ये क्या दिख रहा है मुझे?
इस कत्लेआम के साथ इस जंग में मरने वालों की संख्या हजारों में पहुंच गई। अक्सर ऐसा पाया गया है कि किसी भी एक आदमी की वजह से ऐसे कत्लेआम होते हैं और लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। विश्व युद्ध की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें भी ऐसा ही हुआ था। मैं मरना नहीं चाहता, इतने जल्दी नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बाकी सारे देश, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं हिल नहीं पा रही हूँ। बहुत दर्द है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। कोई तो मेरी बात सुनो, देखो मेरी तरफ कितना दर्द है। मिस्टर कानिमोतो, साया को तुम मुझे जानती हो, पहचानती हो, है ना? सुनो, तुम मेरी मदद करो प्लीज, देखो मेरी मदद करो। हाँ तो बताइए कि आपकी आत्महत्या करने की वजह क्या थी? क्या? मैं एक भ्रष्ट नेता की असलियत सबके सामने लाने वाला था, पर उसने मुझे झूठी बातें बताई। मैंने अपना सब कुछ खो दिया उसकी वजह से। मेरी इज्जत, मेरा काम, मेरा नाम, सब कुछ, मैं बर्बाद हो गया। मिस्टर कनेमोटो, आपको ईश्वर की दी हुई जिंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ करने का हक किसने दिया? ईश्वर की दी जिंदगी क्यों मजाक करते हैं सर? ईश्वर कमजोर दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। मौत के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ। मुझे परवाह नहीं है इस जिंदगी की, मैं अपने इस जिंदगी को खत्म कर देना चाहता हूँ और कुछ नहीं। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या ईश्वर या बुद्धा नहीं है? असल में तुम ईश्वर और बुद्धा के बारे में गलत आर्टिकल लिखने की वजह से बदनाम हुए हो। तो बताइए क्या गलत लिखा मैंने? मुझे देखिए, अगर ईश्वर होते तो वो मेरी मदद करने क्यों नहीं आते? बताइए, जवाब दीजिए। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक जगत या भगवान या किसी और शक्ति के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैं उन मासूम जनता को पाखंडियों से बचाने की कोशिश कर रहा था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आध्यात्मिक जगत जैसा कुछ नहीं है? बिल्कुल यही। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस वक्त आप किन हालातों में और कहाँ पर खड़े हैं? मैं यहाँ कचहरी में क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ कैसे आ गया? एक मिनट, ये क्या? मैं तो उस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। और आपको लगता है आप जिंदा हैं? सुनिए, आप मर चुके हैं। आपने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी थी। आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा वकील कहाँ है? उससे मिले बगैर मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। यही मेरा आखिरी जवाब है।
पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, सारी आत्माओं को यहीं आना है। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मुझे पता है मौत के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या आप देख नहीं सकते कि आपके सामने जीता जागता खड़ा हूँ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं जिंदा हूँ। एक और मोहमाया में उलझा हुआ इंसान, कितना ना समझ है ये, और वो भी इस युग में जब बुद्धा का पुनर्जन्म हुआ, कितनी शर्म की बात है। क्या कहा, बुद्धा का पुनर्जन्म? ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? आपने अपने अनमोल जीवन को खत्म कर दिया, इसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। ये सब क्या हो रहा है? नहीं, कोई मेरी मदद करो, मैं जिंदा हूं, मुझे बचाओ। हे, ध्यान कहां था तुम्हारा? योगी, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मजाक कर रही हो ना, ऐसी हालत में कोई भी होता तो तुम्हें जरूर बचा लेता। पर ये खुदकुशी किस खुशी में कर रही थी? मैं कभी खुदकुशी नहीं कर सकती। I'm really sorry. मैंने देखा कि कोई रेल की पटरी पर खड़ा था, और फिर? और वो मुझसे अपनी जान बचाने की विनती कर रहा था। पर उस रेल की पटरी, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। हाँ, मैं जानती हूँ वहाँ कोई नहीं था। शांत हो जाओ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। सॉरी, मैं बस एक बात कहूँगा, अभी कुछ दिनों पहले एक अखबार के रिपोर्टर ने वहीं खुदकुशी की थी। हाँ, मुझे पता है। और अब तो तुम अच्छी तरह जान गई होगी कि उस रिपोर्टर ने खुदकुशी उसी प्लेटफॉर्म के ठीक उसी जगह पर की थी। इसका मतलब जिस आदमी को मैंने वहाँ देखा था वो शायद तकुजो कानेमोतो था। क्या कहा, मिस्टर कानेमोतो का भूत? पर क्यों, कैसे? घबराओ मत, शांत हो जाओ, मेरी बात अभी भी खत्म नहीं हुई है। देखो, इंसान मरते हैं, पर सच में वो कभी मरते नहीं है। जब हम मरते हैं तो हमारी आत्माएं हमारा शरीर छोड़ देती हैं और दूसरी दुनिया में चली जाती हैं। इसी को बौद्ध धर्म के लोग पुनर्जन्म कहते हैं। अगर तुम स्वर्ग गए तो ठीक है, पर कुछ आत्माएं नरक में जाती हैं और इस दुनिया में तकलीफ देने के लिए लौट आती हैं। उन्हें दुष्ट आत्माएं कहते हैं। तुमने शायद खुदकुशी करने वाली आत्मा को देखा है, वो काफी तकलीफ देने वाली आत्मा है। क्या? खुदकुशी करने वाली आत्माएं तब तक ना तो स्वर्ग जाती हैं और ना नर्क, जब तक वो संभाविक रूप से मर न जाएं, तो वो अपने परिवार के पास रहती हैं या उसी जगह पर लोगों को खुदकुशी करने के लिए मजबूर करती हैं जहां उनका हादसा हुआ था। वो बहुत बुरी हो जाती हैं। पर मिस्टर कानेमोतो ही क्यों? क्यों? तुम्हें ये सब कैसे पता? असल में मैं तुम्हें कुछ और समझाऊं? तुम्हारी ड्राइंग और हैंडराइटिंग बिल्कुल बकवास है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। और वैसे भी बात वो नहीं है, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? लेकिन ये बेकार ही है, तुम्हें इसका कुछ करना चाहिए। युकी, जो भी हो, अगर कुछ हो तो मुझे जरूर बताना, जब भी याद करोगी आ जाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। क्या कहा? पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा दोबारा नहीं होगा? अगर ऐसा फिर हुआ तो? बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, पर मुझे बच्चे ही समझते हो और कभी नहीं बताते कि तुम खुद क्या करने वाले हो। मुझे अकेला छोड़ दो। ओहो, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अरे रुको, तो तुम बात को जितनी आसान समझ रही हो, ये बात उतनी आसान नहीं है। अगर सच नहीं जानोगी तो खतरे में पड़ सकती हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद। तुम जितनी मदद कर सकते थे तुमने कर ली, अब मुझे अकेला छोड़ दो। सयाको, सुनो तो। मेरा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स, और हाँ, अब से मुझे कॉल करने की भी जरूरत नहीं है।
तो ये पढ़ाई हो रही है। योगी, क्या बात है, बढ़िया चला रही हो। सॉरी, मुझे जाना होगा। देश में लोगों ने अज्ञात उड़न तश्तरियां देखी और पुलिस के पास इस विषय में कई फोन कॉल्स आए, जिसके चलते चारों तरफ कुछ दिनों से कितनी अजीब अजीब बातें सुनाई दे रही हैं। यूरोप को इस वर्ष तुम्हें कुछ दूध मैं ले लूंगी। दूध होगा क्या? शुंटा ने बचाया होगा तो होगा। एक बूंद बाकी है, ये तो खाली है। इस पर चर्चा विचारना है। पेश है चुटकुले गुलगुले। इस बार गर्मी के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए ये आपके पेट के लिए मिली है 21वीं सदी के बुद्ध से। इन हवाएं पूरे देश में बह रही हैं। एक मिनट चिंता। हाँ? जैसा कि हम सभी जानते हैं, मिस्टर अराय सोनेन ग्रुप या थॉट पावर ग्रुप धर्म के चेयरमैन हैं। यहाँ जापान और पूरे संसार में इनकी 20 लाख अनुयायी हैं। कहा जाता है ये बुद्धा यानी कौन है? वो शक्यमुनि बुद्धा की बात कर रहे हैं और हमारा उद्धार करने यहाँ आए हैं। बुद्धा फिर से? ऐसे युग में जब बुद्धा का पुनर्जन्म हुआ, हम आज मिस्टर अराय से जानना चाहेंगे कि ये सोनेन ग्रुप आखिर है क्या और इसकी दुनिया में क्या अहमियत है। इस समय संसार में बहुत गड़बड़ी फैली हुई है। सरकार को पता ही नहीं कि वो आखिर कर क्या रही है। और यूं तो शांति ही हमारा नारा है, पर जंगों का अंत नहीं है। आज हमारा समाज बीमार हो चुका है, परिवार टूट रहे हैं, बच्चे माँ बाप की हत्या कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों की जान ले रहे हैं। ऐसे समय में हमें ऐसे गुरु की तलाश है जो इन समस्याओं से निजात दिला सके हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा मेरा विचार है। बहुत अच्छा विचार है, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पे ग्लास चेक कीजिए। तुम दरवाजे खिड़की खोलो। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कृपया शांति बनाए रखिए। गैस चेक कीजिए। बाहर निकलने के रास्ते खोल दीजिए। आप ठीक तो हैं? शुक्रिया। वाओ मॉम, देखा आपने उसने क्या किया? लगता है कोई जादू कर रहा है। हाँ, ये सब क्या हो रहा था आखिर? वो हाँ? था क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। देखिए, आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। हाँ? कुछ लोगों को आपसे जलन हो सकती है। हाँ? ओह प्लीज, ऐसा मजाक मत कीजिए। इसने भी उन्हें देखा। तुमने टीवी पर कल वो प्रोग्राम देखा? यकीन नहीं होता कि अराय कुछ ऐसा कर सकता है। वो अपनी तांत्रिक शक्ति से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, धर्म की तो बात है, मेरा मतलब बुद्धा का पुनर्जन्म। चलो देखते हैं बुद्धा। वाव, इतने सारे। मेरे पास एक आईडिया आया है। हम सोनन ग्रुप का इंटरव्यू क्यों ना ले, उसे हम अपने स्कूल के न्यूज़लेटर में यूज कर सकते हैं, है ना? हाँ, काफी अच्छा आईडिया है। हाँ, वेरी गुड आईडिया। ओके, तो फिर कौन चलेगा? सॉरी, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। मैं भी नहीं, इस हफ्ते काम कुछ ज्यादा ही है। क्या, अभी तो तुमने कहा कि तुम आओगी। मैं चलूंगी। हाँ, ग्रेट, ये अच्छा रहेगा। मैं और साया को इंटरव्यू लेने जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मुझे खुद जाकर ये देखना होगा।
इतना तैयार हो के कहाँ जा रही हो? आज मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तंग मत करो। मुझे भी बहुत काम है, समझ गई ना? मुझे आज दो इम्पोर्टेंट इंटरव्यूज कवर करने हैं। मुझे पता है, एक तो मारी किमोरा का शो है और दूसरा कौन सा है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मत बताओ, वैसे मेरे पास भी एक खुफिया काम है। क्या है तुम्हारा खुफिया नहीं काम? नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय। गुड लक दीदी। रीना अब तक नहीं आई, कहाँ रह गई होगी? हाँ, उसी का मैसेज होगा। यूकी, मैंने इसे कहा था मुझे दोबारा कभी फोन मत करना। मुझे अकेला छोड़ दो, अभी मुझे सोनेन ग्रुप का इंटरव्यू लेने जाना है। हो सकता है वो मेरे विजन को गायब कर दे। वाकई? हेलो, कहाँ हो तुम रीना? मेरा बॉयफ्रेंड अभी मुझसे मिलने आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगी। आई एम सो सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर देना साया को, एंड गुड लक साया को। क्या? हे रुको, क्या कहा? गुड लक? यानी मुझे अकेले जाना होगा? और कोई चॉइस भी तो नहीं है। प्लीज वहाँ मत जाओ, इसमें खतरा है। खुद को बड़ा स्मार्ट समझता है। मैं तो वहाँ जाकर रहूंगी। तो साको अराई, बुद्धा का पुनर्जन्म, पता नहीं कैसा इंसान होगा ये। तो दूसरा इंटरव्यू तो साको अराई के साथ है। एक्सक्यूज मी, मैं साकुराओ का हाई स्कूल फॉर गर्ल्स के न्यूज़पेपर क्लब से हूँ। बहुत लकी हो तुम, चेयरमैन अराई का लेक्चर अब थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है, अंदर आ जाओ। हाँ? ओह, थैंक्स। मानव जाति मूर्ख है, पर यही उनकी फितरत है, उनका स्वभाव है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो पूर्ण हो, पर मूर्ख मानव अपनी मूर्खता के कामों में इस कदर लगा है कि हमारी धरती इस बोझ से बिखर रही है, हमारा पर्यावरण बर्बाद हो रहा है और हमारी आत्मा लुप्त हो रही है। इसे तो टीवी पर देखा था। इस अंधकार के युग में आखिर हमें किस तरह रहना चाहिए? ये इंसानों की नहीं जानवरों की दुनिया है। लोग जो भी कहें, सब कुछ स्वार्थ पर ही खत्म होता है। हमें जीने के लिए शक्ति जुटानी होगी, जी तोड़ मेहनत करनी होगी, चाहे जो हो जाए। हमें अपने प्रति ईमानदार होना होगा और जीने के लिए हर कोशिश करनी होगी। कमजोरी खुद ही एक पाप है। हमें किसी भी हाल में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अपना मकसद खुद हासिल करो, मुझ पर भरोसा रखो, फिर मेरी महान तांत्रिक शक्ति तुम्हें इस दुनिया के भयानक डरों से बचा लेगी। हमें इस दुनिया में किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपना मकसद किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेंगे। यहाँ पे ये कोई जादू नहीं दिखाएंगे। हाँ, तुम सयाको के दोस्त हो ना? तुम जरूर सयाको के। अब क्या वो अंदर है? वो अंदर है और अराई सर का लेक्चर सुन रही है। वाह, मजा आएगा। अगर आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं, तो आपको भी ये शक्तियाँ मिल जाएंगी। फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बस आपको मेरा कहना मानना होगा, मैं जो कहूँ वो करना होगा। एक्सक्यूज मी सर, चेयरमैन अराई का भाषण शुरू हो चुका है और आप अंदर नहीं जा सकते। सॉरी, पर मैं अंदर जा रहा हूँ। हे, रुको! कोई अंदर घुस गया है, पकड़ो उसे। क्या? लेकिन मुझे क्यों? यूकी? बाद में समझाऊंगा, पहले यहाँ से बाहर निकलो। मुझे तो छोड़ो। जहाँ हो वहीं रुक जाओ, तुम हमसे बचकर जा नहीं सकते। बस बहुत हुआ, TSI के मेंबर हमारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा? TSI? TSI? TSI?
सॉरी, गलती से गिर गया। मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था ना? हाँ। अपने आप को क्या समझती हो? तुमने ये भी नहीं सोचा कि वहाँ जाने पर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? I'm really sorry. मैं नहीं जानती थी कि वहाँ पर... अगर नहीं जानती थी तो उस खतरनाक जगह में गई क्यों? इसमें खतरे की क्या बात है? मैं तो सिर्फ वहाँ पर उनका लेक्चर सुनने गई थी। दरअसल मैंने सोचा था कि वो मुझे बता पाएंगे कि मुझे आत्माएं क्यों दिखती हैं। उन्होंने टीवी पर कहा था कि वो बुद्धा के अवतार हैं, बस इसीलिए मैं उनसे मिलना चाहती थी। तुम्हें हो क्या गया है? वो बुद्धा नहीं हो सकते, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि असली बुद्धा तो... असली बुद्धा से तुम्हारा क्या मतलब है? बताओ ना। मेरा मतलब कुछ नहीं। मुझे बताओ युकि, मैं सब जानना चाहती हूँ। और ये TSI का क्या चक्कर चल रहा है? हमेशा की तरह फिर से मुझसे कुछ छुपा लिया। तुम मुझे कभी भी पूरी बात नहीं बताते हो युकि। पता नहीं तुम क्या करते रहते हो, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं बताते। तुम मेरे साथ मारी किमुरा के शो में भी चलने को तैयार नहीं हो। हर बार मेरी बातों को टालते रहते हो, मुझसे चीजें छुपाते रहते हो, इसीलिए तो मैं कभी तुम पर भरोसा नहीं कर पाई। दीदी शुंता, अरे इसे तो बुखार है। शुंता, हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। मेरे डैड के अस्पताल चलते हैं। तुम्हें नहीं पता इसे क्या हुआ? कहना क्या चाहते हो? किसी ने भी ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा होगा। ओ नहीं। पर तुम फिक्र मत करो, मैंने कई लाइलाज बीमारियों को चुटकियों में ठीक किया है, कई ऑपरेशंस भी किए हैं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। मेरा बेटा, जल्दी ठीक हो जाओ शुंटा। ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। मॉम, डैड, सब मेरी गलती है। सुनिए डैड, मॉम। हाँ बोलो। पहले कहिए कि आप मेरी बात पे यकीन करेंगे। हाँ जरूर, बोलो क्या हुआ? शुंता की बीमारी के बारे में, उस पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। क्या कहा? मैं सोनेन ग्रुप के यहाँ गई थी, इसीलिए मैं इस बारे में जानती हूँ। डैड सुनिए तो सही, ये सच है। साया को मेरी बात सुनो, तुम किसी जादू वादू के चक्कर में तो नहीं पड़ गई हो ना? हाँ? एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे ये आध्यात्मिक या सुपर नेचुरल की बातों पर बहुत चिढ़ाती है। लेकिन डैड मैं सच कह रही हूँ। साया को प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा शांत हो जाइए। आई एम सॉरी। बेटे फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे भाई को ठीक कर दूंगा, उसकी चिंता छोड़ दो। साया को तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। साया को बोल रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या कहा? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये मैं क्या कह रही हूँ, क्या बेवकूफी है? मुझे पता है तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे। हिम्मत मत हारना, कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। हाँ? मैंने सुना है मारी किमुरा का शो बहुत कामयाब रहा। ईश्वर करे शुंता जल्दी ठीक हो जाए। मुझे यकीन है तुम बिना किसी फिक्र के उसका शो देखने जा सकती हो। सया को मैं थैंक यू युकि, बाय। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही शानदार शो था।
मेरे बिस्तर पर काफी पैसे सारी फीस दे सकता मुझे मेरी किडनी लौटा दीजिए कोई मेरा इलाज कीजिए कोई सुनता क्यों नहीं है मुझे डॉक्टर से मिलना है कोई मुझे मिलने क्यों नहीं देता पूरा अस्पताल इनसे भरा पड़ा है हाय मिस सायाको अमानकावा आपसे मिलके मैं बहुत खुश हुआ हूँ मुझे भी खुशी हुई लेकिन अब हो कौन मैं हूँ हैरी बटसन ऑस्ट्रेलिया से एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम के तहत अब जरा धीरे बात करेंगे हम अस्पताल में सॉरी मुझे माफ कीजिए तुमसे मिलके खुशी हुई सायाको हेलो मारी मारी किमोरा आप सच में आप यहाँ धीरे बोलो हम अस्पताल में धीरे ध्यान रखो सॉरी वैसे आपको कैसे पता कि मेरा नाम सायाको है दरअसल मैं तुम्हें बताना भूल गई बाहर आ जाओ तुम कब तक क्यों छुपे रहोगे बाहर आ जाओ मैं तो बस अब बाहर आ भी जाओ यूकी यूकी अब यूं लड़कियों की तरह मत शर्माओ क्या अपनी गर्लफ्रेंड को हाय तक नहीं कहोगे एक्सक्यूज मी मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ क्या हमने सुना वो सच है कि तुम राय के आ गई थी हाँ पर क्यों अराय बहुत ही खतरनाक आदमी है इसमें कोई शक नहीं कि शुंता का बुखार भी अराय की ही देन है पर आपको ये सब कैसे पता हम लोगों को इसलिए पता है क्योंकि हम TSI के मेंबर्स हैं TSI के मेंबर्स मैंने ये नाम सोनेन ग्रुप में सुना था बहुत हो गया TSI के लोग हमारा बाहर इंतजार कर रहे हैं शायद यूकी ने बताया होगा तुम्हें पर TSI ऐसे लोगों का ग्रुप है जो बुद्धा की शिक्षा को लोगों तक पहुंचाते हैं बुद्धा की शिक्षा शुंता ठीक तो हो जाएगा ना अराई के तंत्र को तोड़ना काफी मुश्किल होता है तंत्र पर मास्टर सुरानो उसे जरूर तोड़ सकते हैं ये मास्टर सुरानो कौन है बुद्धा के पुनरावतार हाँ सायाको वो सच में बुद्धा के पुनरावतार हैं शुरू शुरू में यकीन करना काफी मुश्किल होता है पहली बार मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था जानती हो मैं बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी मैंने अपनी खुद की थिएटर कंपनी शुरू की पर बहुत दिनों तक मुझे कड़ा संघर्ष करना पड़ा मैं ये जानती थी मैं काफी कर्ज में डूब गई थी और तभी मेरी मुलाकात अराई से हुई सोनेन ग्रुप में शामिल हो जाओगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगा और मैंने उनकी बात मान ली उसने मुझे अपने प्रतिवंदियों को नीचे लाना सिखाया ताकि मैं सफल हो सकूं मुझे लगा यहाँ जीने के लिए मुझे ये करना ही होगा अराई ने मुझे ये सिखाया पर ऐसा ज्यादा समय तक नहीं रह सका मैंने आगे बने रहने के लिए बहुत मेहनत की पर जब तक मैंने ये जाना मेरी सभी फैंस कंपनी के मेंबर्स मुझे छोड़कर चले गए थे मैं जानती थी ये गलत है मैं अराई को छोड़ना चाहती थी अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम नरक में जाओगी वो मुझे ऐसे ही धमकी देता रहा मुझे लगा मेरे सारे सपने सारी उम्मीदें खत्म हो गई मैं खुद को भी खोने जा रही थी और तभी मुझे मिले मास्टर सुरानो असली कामयाबी की सराहना बहुत लोगों को करनी चाहिए तुम्हारी कामयाबी से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए पर अब तक जो मैंने अपनी कामयाबी के लिए लोगों के साथ किया वो तो अगर सफलता से मन को शांति न मिले तो तुम उसे सफलता नहीं कह सकते अगर सफलता तुम्हारे सर पे सवार हो जाए तो वो सच्ची सफलता नहीं है सच्ची सफलता तुम्हारे हृदय में प्रेम भर देती है और तुम्हें दूसरों के बारे में प्रेरणा देती है कमाल की बात है ये जब मुझे मन की शिक्षाओं के बारे में पता चला तो
मेरा दिल भर आया और तब मैं तहे दिल से जान गई कि मुझे इसी की तलाश थी। मन की शिक्षाएं? फिक्र मत करो सयाको, हमसे जितना भी हो सकेगा हम तुम्हारे भाई शुंता के लिए जरूर करेंगे। सब ठीक हो जाएगा, तुम खुद को दोष मत दो। थैंक यू। मैं खुद को डॉक्टर कैसे कहूं, मैं अपने बेटे की जिंदगी भी नहीं बचा पा रहा हूं। आ रही हूं। यूकी, तुम यहां कैसे? चलो अंदर आ जाओ। क्या हो गया? एक्सक्यूज मी, तुमसे मिलके बेहद खुशी हुई। जी, मेरा नाम है तायो सुरानो। ये आदमी तो बेचारा मासूम बच्चा, पर अब तुम ठीक हो जाओगे। हैरी, अगर तुम तैयार हो तो हम अपना काम शुरू करें। जी सर। कितनी रोशनी है। ये आप क्या कर रहे हैं? डैड, बताओ कौन हो तुम? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मैं सदियों से यहाँ भटक रहा हूँ पर कोई कभी मुझे बचाने नहीं आया। ये प्रकाश कैसा है? बंद करो इसे, रोको। इस बच्चे को इसी वक्त छोड़ दो। नहीं हो सकता, अब जाके तो मुझे एक आरामदेह शरीर मिला है, इसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं। तुम इस दुनिया के नहीं हो, तुम्हें इसी वक्त अपनी दुनिया में वापस लौटना होगा। ये मुमकिन नहीं, मैं वापस नर्क में नहीं जाऊंगा। मन को शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें नर्क से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये तुम्हें क्या पता? तुम्हें अपने दिलो दिमाग से तीन विषों को निकालना होगा। तीन विष? कौन सी विष? पहला विष लालच, दूसरा क्रोध और तीसरा मूर्खता। यही वो तीन विष हैं जो अंदर जलते रहते हैं। जब तुम इनकी आग बुझा लोगे तो तुम नर्क की ठंडक से भी बच जाओगे। तुम्हें विश्वास है? पक्का विश्वास है। बस तुम इस बच्चे को छोड़ दो। तुम इन आम ढोंगी आध्यात्मिक गुरुओं से अलग लगते हो। ठीक है, ये मेरे मास्टर के लिए सही नहीं, पर मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। पर तुम संभल कर रहना, मेरे मास्टर ने पहले ही अपनी चाल चल दी है। तुम्हारे मास्टर ने? लगता है वो चला गया। मैं ठीक हूं। शुंता, शुंता मेरे बेटे, तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ?
मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। ये तो सचमुच कमाल हो गया, यह आखिर हुआ क्या था? ये मुमकिन नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता, ये हो क्या रहा है? देखिए, हमारा ये भौतिक शरीर ही सब कुछ नहीं है। आपको कैंसर हुआ है, मैं सच कह रहा हूं ना? क्या ये सच कह रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। मेरे पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। नहीं डैडी, हम सब मरने वाले हैं। मरने के बाद सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मरने से क्या डरना, यही बात मैं खुद को समझाता रहता हूँ। पर मैं सचमुच बहुत डरा हुआ हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल मरना नहीं चाहता। मृत्यु के बाद जीवन है, ये जान लीजिए, यही अंतिम सच है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर अब मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ बताइए? अब बहुत देर हो चुकी है, हमारे हाथ में अब वक्त नहीं है। बीमारियों को ठीक करने के लिए अपने मन, अपने दिमाग को ठीक रखना जरूरी है। क्या कहा, मन? आप डॉक्टर क्यों बने थे? लोगों का जीवन बचाने के लिए, है ना? पर अगर आप सच में लोगों का जीवन बचाना चाहते हैं तो आपको इंसानों के बारे में सच्चाई जाननी चाहिए। खुद को माफ कर दीजिए मिस्टर अमानोकावा, आप दोषी नहीं हैं। इस दुनिया में कुशल से कुशल आदमी भी शक्तिहीन हो जाते हैं अगर वो दूसरी दुनिया की हकीकत के बारे में अनजान रहते हैं, कुछ नहीं जानते। बिल्कुल आपके उस दोस्त की तरह जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। आप कानेमोतो के बारे में जानते हैं? आप अपने जीवन पर अफसोस कर रहे हैं, सच कहा ना मैंने? आप अपनी गलतियों पर आंसू बहा रहे हैं और कितने मजबूर हैं आप, कितने बेबस, कितने लाचार। आपको ये सच्चाई पता होनी चाहिए कि इन नाकामयाबियों, इन रुकावटों और आप पर आए दुखों से आपकी आत्मा रोशन होती है, बहुत कुछ सीखती है। संघर्ष की घड़ी में हमेशा ये याद रखिए कि किस्मत आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, कोई सबक दे रही है। संघर्ष की घड़ी में जरूर कुछ ऐसा होता है जो आपकी आत्मा का विकास करता है, उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाता है। इस पल अभी आप अपनी आत्मा को निखार रहे हैं, उसे रोशन कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि मेरे पास अभी भी एक और मौका है? बिल्कुल है, हर एक इंसान को बार बार, कई बार कोशिश करने के मौके दिए जाते हैं। मुझे भी एक मौका चाहिए, मुझे भी। मास्टर, आखिर वो सब क्या हो रहा था? पता नहीं, पर कुछ जरूर चल रहा है। मास्टर सोरानो, रुकिए। मास्टर सोरानो, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भी मेरी जरूरत होगी मैं वहाँ जरूर जाऊँगा, इसमें कोई शक नहीं। मास्टर सोरानो, दरअसल मैं पूछना चाहती थी कि मुझे आत्माएं क्यों दिखती हैं? फिक्र मत करो, तुम्हें इस दुनिया की सच्ची तस्वीर नजर आ रही है। क्या कहा, दुनिया की सच्ची तस्वीर? लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि तुम्हारा भी अपना एक जरूरी मिशन है। मेरा अपना मिशन? हाँ, पूरी दुनिया में सत्य के प्रसार करने का एक बेहद खास मिशन है तुम्हारा। और यही हमारा प्लान है चेयरमैन सर, हम आगे बढ़ें? हाँ ठीक है, अब हमें हमारे प्लान के मुताबिक ही चलना होगा। यही तो सही तरीका है, इंसानों को बिना शक्ति और डर के काबू में नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, दूसरों का फायदा उठाते हैं, काम हो जाने पर उन्हें छोड़ देते हैं। इंसान जीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितने गिरे हुए होते हैं ये नफरत के लायक। दिस मूवी इज एनकोडेड बाय toonworld4all.in। अरे वाह, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ओ बेशक, जरा जल्दी चलो दीदी, कितना स्लो चलती है। मैं और तेज नहीं चल सकती, बाल सवारने में पूरा दिन निकल जाता है, ये लड़कियों को हो क्या जाता है? तो इसमें गलत क्या है? हैं? मैं आ गई। बहुत खूबसूरत लग रही हो।
खूबसूरत, और तारीफ करो। सुंदर कपड़ों से सुंदरता बढ़ती है। सुंदर कपड़े? मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, मेरी दीदी से सुंदर उसके कपड़े हैं। क्या कहा? कुछ कहा? ओह सॉरी। चलो दीदी जल्दी करो। हाँ अब हाँ। थैंक यू। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। मैं वादा करती हूँ कि मैं आप ध्यान रखूंगी। मैंने मदद की क्योंकि मैं मदद करना चाहता था। असल में मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें TSI के बारे में कुछ नहीं बताया। I'm sorry. सुनो दोस्त। हाँ? चलो मछलियाँ पकड़ते हैं। हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा पकड़ता है। मुझे नहीं हरा सकते। अभी पता चल जाएगा। ये क्या? बहुत बुरा हुआ। इन्हें हो क्या रहा है? अरे ये आसमान में क्या है? ये तो गायब हो गया। वो है क्या? वाह क्या बात है, देखो वहाँ पर और आ गए। तुम ठीक हो ना? उड़न दस्तरिया। क्या कहा? यहां से चलते हैं। तुम ठीक तो हो ना? शंता वो तो तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूं। लेकिन तुम बस यहीं रुको। मुझ पर छोड़ दो। चुनता 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 तुम ठीक तो हो ना चुनता? भागो वहां से। हाँ, दीदी।
को। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना बेटा? सारे हमले भी रुक गए। देखो उड़न तस्तरियां गायब हो रही हैं, वहां देखो। ये तो अच्छी बात है। वो कमल के फूलों की ड्रेस वाली लड़की उड़न तश्तरियों से लड़ रही है। हाँ, काफी हिम्मत वाली है। सयाको दीदी, कोई रुकावट डाल रहा है। सुनिए एक विशेष सूचना, टोक्यो पर उड़न तश्तरियों का हमला हुआ है। इन सब बातों से हमें बहका रहे हैं, क्या बकवास है ये? हमारे पास कितने सारे गवाह हैं। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि किसी ने इस काम के लिए मदहोशी की दवा इस्तेमाल की होगी। जहाँ तक आध्यात्मिक जगत का सवाल है, कुछ भी हो सकता है। जरूरी बात ये है कि ये सोनेन ग्रुप के मिस्टर कोमायामा है। सर आपका क्या कहना है? आप कहते हैं आप इस घटना की कुछ सच्चाई जानते हैं, क्या आप हमें बताएंगे ये क्या है? इस समय दुनिया के सामने गंभीर संकट खड़ा है, अंतरिक्ष से प्राणियों के हमले का संकट। ये ऐसा है जो हम सब की कल्पनाओं से बहुत ही परे है। ऐसी भयानक स्थिति से मानव जाति को सिर्फ एक इंसान बचा सकता है, हमारे चेयरमैन मिस्टर अराई। सच तो ये है कि उन्होंने कल रात अपनी तांत्रिक शक्ति के साथ उड़न तस्तरियों के साथ डटकर मुकाबला किया। क्या कहा, मिस्टर तोसाको अराई ने? जी हाँ। मैं नहीं मानता। इस वक्त हमें एक ऐसे गुरु की जरूरत है जो इस संकट की घड़ी में हम सब की रक्षा कर सके। मेरा मतलब पहली बात तो तोसाको अराई। तुम ठीक तो हो ना? हमें हमारे दर्शकों से ताजा जानकारी मिल रही है, इंटरनेट पर भी लगातार संदेश आ रहे हैं, जिसके मुताबिक एक जवान लड़की ने उड़न तश्तरियों से टक्कर ली है। हमारे पास एक गृहिणी का फैक्स भी आया है, उनका कहना है अराई ने नहीं बल्कि किमोनो वाली लड़की ने उड़न तश्तरियों से मुकाबला किया था। क्या? और हमारे पास उसका वीडियो फुटेज भी है। क्या कह रही है? पहचान छुपाने के लिए हमने कुछ तस्वीरों को धुंधला कर दिया है। वाह, ये तो गजब की बात है। इस बारे में आपका क्या कहना है मिस्टर कोमायामा? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, पर ये तुम तो नहीं हो ना? क्या ये तो तुम ही हो। क्या बात है, ये तो सयाको है। यकीन नहीं होता कि तुम ही हमारी मसीहा थी। क्या? अब बस करो,
लड़की कौन है? ये कोमा यामा क्या कर रहे हैं? हम अब अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, हम अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। जी सर। सॉरी मुझे देर हो गई। वो तो ठीक है, पर तुम्हारी इस ड्रेस का क्या करें? मेरे घर के चारों तरफ मीडिया ही मीडिया है और उनसे बच के निकलना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए मुझे भेष बदलना पड़ा। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? चलो मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आई तो हो। मुझे भी। हाय। हमें अपने दुखों और निराशाओं से तब तक छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक हम सब अपने मन को पूरी तरह से बदल न डालें। दूसरे लोगों को या अपने हालात को इसका दोष नहीं देना चाहिए। हम सभी को अपने मन को ही बदलना होगा। इसीलिए हमें मन की शिक्षाओं की, सीखों की और धार्मिक सत्य को जानने की जरूरत होती है। आपकी आत्मा भूखी है, प्यासी है, क्योंकि आपने इन शिक्षाओं से, इन सीखों से कुछ भी नहीं सीखा है और ना ही उन्हें अपने जीवन में उतारा है। दुनिया में चाहे कितनी भी मुसीबतें, तकलीफें, कितनी भी परेशानियां क्यों ना भरी हों, उसे बहाना कभी भी नहीं बनाना चाहिए। इस घोर अंधकार से भरी दुनिया में आपको सोचना ही होगा और इस बात की कोशिश भी करनी होगी कि आप लोगों के अंधकार में डूबे मन को प्रकाश से भर सकें और उनका मार्गदर्शन करके उन्हें सच की तरफ ले जा सके। इंसान आखिर है क्या? आप में से जो कोई भी अपने मन की सच्चाई को भूल गए हैं या उसे छोड़ बैठे हैं, उन्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। अपने हृदय को जगाइए, उसमें झांकिए, अपने लालच का, अपने लोभ का त्याग कर दीजिए, अपनी प्रशंसा की अमिट लालसा का त्याग कीजिए। ये मत सोचिए कि सब आपकी चाहत का आदर करें, सभी आपकी तारीफ करें, ऐसी लालसा मत रखिए। शोहरत बटोरने की तमन्ना, मशहूर या नामी होने की प्यास मत पालिए। सत्ता का लोभ, शक्ति की चाहत फिजूल है, बेमानी है। ये सभी लालची, लोभी मन की उपज है जो आपका पतन करती है। हमें हरदम अपने साधनों के अंदर ही जीवन बिताना चाहिए। खुद को रोक ना पाना भी लालच की निशानी है, उससे बचिए। ज्यादा और भी ज्यादा पाने की लालसा अपने मन से निकाल फेंक दीजिए। ऐसे मन को भी त्याग दीजिए जो हर बात की जिद करे। ऐसे मन की बात मत मानिए। क्रोध मत कीजिए, क्रोध से हमेशा दूर रहिए। क्रोध विनाश है। क्रोध से क्रोध को कभी नहीं हटाया जा सकता, ये बात जानिए। जानवरों की तरह जरा से उकसाने पर क्रोधित होना उचित नहीं है। इंसानों की तरह आपको इस बारे में जरूर सोचना होगा कि कैसे आप अपनी दुनिया में और अपने मन में शांति ला सकते हैं, शांत रह सकते हैं। हमें ऐसी दुनिया की रचना करनी है जहां लोग मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहें। हमें ऐसे संसार का निर्माण करना है जहां हम एक दूसरे को मन से स्वीकारें, एक दूसरे के चरित्र का दिल से आदर करें, सभी की भावनाओं का पूरा पूरा ध्यान रखें। क्रोध पर काबू पाना है और मन को शांत रखना जरूरी है।
मन की शांति ही आपको और सभी को सच्चा सुख दे सकते हैं। मूर्खता भरे काम कभी भी न करें, सत्य को अवश्य जानिए, ये बहुत जरूरी है। न जाने कितने सारे लोग अभी भी अपना जीवन अंधकार में बिता रहे हैं। अंधकार को चीर कर बाहर निकालने की कोशिश करें, अपना रास्ता ढूंढें, इस सच्चाई को जानें कि यह दुनिया असल में प्रकाशमान है, उजली और बहुत खूबसूरत है। अपने हृदय में सत्य की अलौकिक ज्योति जलाएं, अपना प्रकाश चारों तरफ फैलाएं, जो अंधेरे को रोशनी से भर देगा। सत्य को जानना ही ज्ञानोदय की दिशा में बहने वाला सबसे पहला कदम है। अपने मन को शांत रखें, अपने हृदय के अंदर तक गहराई में झांकें और अपने सच्चे स्वरूप को हासिल कर लें। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि मानव का जीवन शाश्वत है और हर मानव को पुनर्जन्म से गुजरना होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप उस परम पिता ईश्वर की अनमोल अद्भुत रचना है। मानव जीवन पाने का गौरव एक ऐसा अनोखा एहसास है जो हम में से हर एक के पास होता है। धरती पर अपने सारे अनुभवों के जरिए महसूस कीजिए कि ये जीवन जो आपको मिला है कितना बहुमूल्य है। महसूस कीजिए कि दूसरे जीवों, अन्य प्राणियों के लिए भी उनको मिला उनका जीवन कितना अनमोल, कितना कीमती है। ईश्वर की ये रचना, ये सृष्टि कितनी अनमोल है। सत्य के ज्ञान को हमेशा अपने मन में अपने साथ रखिए। जीवन के असली अर्थ के बारे में गहराई से विचार कीजिए, सोचिए। यही वो समय है पूर्ण सत्य को जानने पहचानने का, स्वयं को और अपने संसार को पूरी तरह बदलने का। शिंदा, जरा वहां देखो, क्या है वहां पर? कितने सारे रिपोर्टर्स हैं। दीदी तुम तो मशहूर हो गई हो। पर समझ में नहीं आता क्यों? टीवी पर तो कह रहे हैं कि तुमने ही उड़न तश्तरियों से सभी को छुटकारा दिलाया है। ओ, लेकिन ये सच नहीं है। हाँ बोले मारी की मुरा। मैं टीवी पे देख रही हूँ, वहाँ तो बहुत हंगामा होगा ना। दूसरे चैनल भी हमें मात दे रहे हैं, कनेक्शन हुआ है। सयाको, लगता है दाल में कुछ काला है, हो सकता है वहाँ पर बात कुछ और भी हो। ओ, मिस किमुरा मुझे माफ कर दीजिए, आपका शाम वाला टॉक शो लाइव ब्रॉडकास्ट के बाद ही होगा। माफ कर दीजिए मुझे, रिपोर्टर से कनेक्शन हो गया है। तो ठीक है, क्या करूं? जल्दी करो जल्दी। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्या? इस स्टोरी को जितना छुपाओगे ये उतनी ही बड़ी होती जाएगी। मुझे लगता है तुम्हें सच बता देना चाहिए। यहाँ आओ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। क्या, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस? सयाको, योगी, मैंने कुछ नहीं किया है। फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है मारी के पास प्लान जरूर होगा। हाँ। और घबराना मत, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। थैंक्स, वैसे तुम बदल गए हो। अच्छा? हाँ, आजकल तुम मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हो, मेरी इतनी मदद कर रहे हो, मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे हो। हाँ ठीक कह रही हो। क्या तुम हैरान हो? क्या हैरान हो कि मैं धर्म में विश्वास करता हूँ? हाँ? हाँ थोड़ी सी, पर तुमने क्यों पूछा? हम वाकई एक अजीब दुनिया में रहते हैं। सबको पता है कि सब कुछ वैसा नहीं जैसा होना चाहिए, पर हम ये नहीं जानते कि इसके लिए क्या किया जाए। मैं सच में दिल से सत्य को जानना चाहता था, और तभी मेरी मुलाकात हुई मिस्टर सुरानो से, है ना? हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मरने के बाद बहुत कष्ट होता है, क्योंकि उन्होंने स्वार्थ का जीवन जिया है। उनकी तरह जिनकी आत्माएं तुमने देखी,
और ये इसलिए कि वो नहीं जानते कि मृत्यु के बाद जीवन होता है। मैं उन सबको ये सच बताना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं बताया। कोई बात नहीं, दरअसल मैं खुश ही हूँ। क्या? पहले तो मैं नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचूं, क्योंकि तुम हमेशा छुपते छुपाते कुछ न कुछ किया ही करते थे। पर अब मैं जानती हूँ तुम अपने मकसद के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। सयाको, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं भी खुश हूँ। वाकई? मैं हमेशा ये सोचा करता था कि लोग क्या सोचेंगे। मैं ये नहीं चाहता था कि हमारा साथ सिर्फ इसलिए टूट जाए क्योंकि मैंने तुम्हें सच बताया। खैर छोड़ो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं कब से ये बोझ लिए घूम रहा हूँ। मुझे तुम्हें सब बता देना चाहिए था। मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ क्योंकि अब इसके आगे मैं जो भी करूँगा पूरे विश्वास के साथ और बिना डरे कर सकूंगा। योगी, ग्रीन सिग्नल हो गया। हे शुंता, तुम यहाँ गाड़ी में क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से तो मैं यहाँ इस मुसीबत में फंसा हूँ। अब चलो, लोग हॉर्न बजा रहे हैं। अरे जरा देखकर चलाओ। देखकर ही चला रहा हूँ। हेलो सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक है ना? जी सर, बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा है। बहुत अच्छे। सर, यहाँ आने की अनुमति नहीं है। सुनो, स्टूडियो पे हमारा कंट्रोल है। दूसरे प्रसारण स्टेशन भी ठीक 7 बजे NBK के लिए बदलने को प्रोग्राम कर दिए गए हैं। बहुत अच्छे। इसमें फूलों की महक है। अरे ये टीवी क्यों बंद हो गया? ये हर चैनल पर NBK क्यों आ रहा है? हर चैनल पर सिर्फ NBK नजर आ रहा है। इस तरह का घटिया मजाक कौन कर रहा है? नमस्कार मेरे प्रिय देशवासियों, हमारे राष्ट्रीय प्रसारण स्टेशन NBK के पूर्ण सहयोग के साथ हमारे चेयरमैन मिस्टर अराई आपको एक बहुत ही जरूरी संदेश देना चाहते हैं। कुमायामा, आप तो मुसीबत को दावत दे रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन का स्वागत है। सभी लोग ध्यान से सुने, सिर्फ 10 मिनट में जापान में एक जबरदस्त सुनामी आने वाली है। ये ऐसी सुनामी है जो अभी तक ना ही आपने देखी होगी और ना ही सुनी। ये पूरे देश को निगल लेगी और तमाम शहरों को पूरी तरह से तहस नहस कर डालेगी और बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। क्या ऐसा सच में होगा या ये किसी नाटक की झलक है? किसी फिल्म का ट्रेलर लगता है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, कोई इस पे कैसे भरोसा करेगा? खाओ पियो और ऐश करो यार। मेरे देशवासियों, आप इसके निशान, इसके संकेत चारों तरफ देख सकते हैं। नमस्कार, सुनामी लहरों की ऊंचाई 200 मीटर की है। इन लहरों की रफ्तार काफी तेज बताई जा रही है। सुनामी लहरें 800 किलोमीटर की रफ्तार से जापान की तरफ बढ़ रही हैं। जापान पहुंचने का अनुमानित समय है शाम के 7:12। कृपया शांति बनाए रखें और ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। हमें सुनामी की जो भी खबरें मिलती रहेंगी वो हम आप तक तुरंत पहुँचाते रहेंगे। सुनामी के संकट नजर आ गए हैं, आपसे अपील है कि आप संयम बनाए रखें। हमारी सरकार, अरे ये क्या, पानी तो स्टूडियो के अंदर आ गया। देखो संभलो, निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। मिश्रा अराई, क्या ये सही है? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? इस संकट की घड़ी में आप कुछ तो बोलिए। ये भयानक सुनामी जापान के पूरे द्वीप को निगल लेगी, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अपनी जान की सलामती के लिए आप एक काम कर सकते हैं। वो क्या है? आपके पास जीने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप मेरे आदेश का पूरी तरह से पालन करें। मैं अपनी तांत्रिक शक्ति से सुनामी को पीछे धकेल दूंगा। आप सब मेरे आगे आत्मसमर्पण करें, मेरा आदेश माने। अगर जीने की चाह है तो ये करना ही होगा। मैं यहाँ पर केप इनुबो में हूँ। एक भयानक विशाल लहर मेरी तरफ बढ़ रही है, बहुत तेज रफ्तार के साथ।
मुझे यहाँ से बचाओ। ओ चेयरमैन आराई, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा, प्लीज मुझे बचाओ। रिपोर्टर जीवित रहेगा माने या ना माने, आपकी मर्जी, ये आपकी चॉइस है। पर अगर जीवित रहना है तो उनसे दया की भीख मांगो। अराई, उसकी हिम्मत कैसे हुई? हेलो, मारी बोल रही हूँ। यस। ये क्या हो रहा है? यहाँ चारों तरफ भूत मंडरा रहे हैं। सुनामी आ रही है। क्या हो रहा है? अराई की तरफ मत देखो। मारी के मोरा, अराई टीवी मॉनिटर के जरिए तांत्रिक लहरें भेज रहा है और इसीलिए लोगों को भ्रम हो रहा है कि सुनामी आ रही है। ये तो असली में मारी की मोरा है। धीरे बोलो, हम क्या कर सकते हैं? मास्टर सुरानो ने जो मुझे संदेश दिया था, हमें वो लोगों तक पहुंचाना है। चलो चलते हैं। मेरे पीछे आओ। इस तरफ। क्या हुआ मारी? मारी केमुरा, देशद्रोही, धोखेबाज। मारी, कौन है ये लोग? सोनेन ग्रुप के लोग हैं। ये अराई के शिष्य हैं। क्या आप उन्हें जानती हैं? इससे उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर इससे हमें मतलब है। मैं बुराई के आगे सर नहीं झुकाऊंगी। तुम नर्क में जाओगी। सयाको तुम जाओ। लेकिन जाओ। ये नोट सयाको को दे देना। आप फिक्र मत कीजिए दीदी। शंता, स्टूडियो में चले जाओ। जल्दी करो। चलो भी। भागो। मेरी फिक्र मत करो। पकड़ो उसे। लगता है हम भटक गए हैं। आप कौन है? इस तरफ। पता नहीं क्या हो रहा है, पर ये बात साफ है कि वो आदमी ठीक नहीं लग रहा है। वो महादुष्ट है। क्या? क्या तुम यहाँ अपना मिशन पूरा करने नहीं आई हो? सत्य का प्रसार करने का एक बेहद खास मिशन है तुम्हारा। चलो चलो, जल्दी करो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड लक। इसका केंद्र कहाँ है? मैं अभी पता लगाती हूँ। एक्सक्यूज मी, इसका लिंक कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ओफो, हमारा लाइव कवरेज नहीं हो रहा है। चैनल हाथ से निकल गया है। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे मिस मारी किमुरा ने भेजा है, एक बहुत ही अर्जेंट संदेश देना है। क्या आप उसकी एजेंट की तरफ से आई हैं? क्या संदेश है? एक मिनट, तुम तो वही उड़न तश्री वाली लड़की हो। क्या? नहीं नहीं, रानी, रहस्यमयी उड़न तश्तरी वाली लड़की की तरफ से एक संदेश? नहीं नहीं, मारी किमुरा की तरफ से है। ये ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नेम, हम उसको एक बार ढूंढ चुके हैं। ओके, ठीक है ठीक है, आप हमारे संदेश लाइव पढ़कर सुनाएंगी। मैं? पर मैं कैसे? तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें तो रहस्यमयी उड़न तश्तरी वाली लड़की हो। ये क्या कह रहे हो? सुकी मोटो यहाँ आइए प्लीज। लाइनें मिल गई है, 30 सेकंड में स्टूडियो वापस। सब लोग कहाँ है? इस तरफ। बहुत अच्छे, गुड लक। हाँ, ओके, टेक इट इजी। थैंक यू वेरी मच। शुंता, वो नोट कहाँ है? ये लो। हमारे पास 30 सेकंड है। शुंता, ये तो गीला हो गया है।
मारी किमुरा, वो रहे वो। शो शुरू हो गया है अब। चार लाइव टेलीकास्ट है, शांति रखो। हमसे संपर्क बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी लाइंस मिल गई हैं। अब हमारे पास एक संदेश है उस खूबसूरत लड़की का जिसने हमें उन उड़न तस्करियों से बचाया था। इनसे मिलिए मिस सयाको अमानो कावा। ये क्या मजाक चल रहा है मेरे साथ? कोई मदद करो, अब मैं क्या करूं? कोई बचाओ। मास्टर सोरानो, हमें हालात को शांत करना ही होगा। कृपया सभी तक मेरा यह संदेश पहुंचा दीजिए। जरूर दूंगी। सभी लोग सुनिए, सोनेन ग्रुप के तोसाको अराई टीवी प्रसारण के जरिए आपके अंदर डर पैदा करने के लिए तांत्रिक लहरें भेज रहे हैं और आपके दिलो दिमाग में दुष्ट असुर प्रेतात्माओं को डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको विशाल सुनामी का मायाजाल दिख रहा है, इसलिए अपने टीवी स्क्रीन पर अराई को मत देखिए। मत देखिए अराई को। ये क्या हो रहा है? कहां से आ रहा है ये सब? यमाटो टीवी से। क्या कहा तुमने? इस डर से छुटकारा पाने के लिए अपने मन को शांत रखिए। मेरे शाश्वत शिष्यों, अपने मन का भय निकाल बाहर कीजिए। दुष्ट आत्माओं को आपके मन पे कब्जा मत करने दीजिए। आप पर बुराई काबू नहीं पा सकती। अपने आप पे विश्वास बनाए रखिए और अपने मन को शांत रखिए। सोरानो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अपने आप पे विश्वास कीजिए, आप अपने मन पर काबू पा सकते हैं। अपने मन को शांत कीजिए। ये सुनामी, ये मायाजाल पूरी तरह गायब हो जाएगा। चलो जल्दी करो, सारे चैनल के अभी इसी वक्त लाइन बदल दो। आप जो कह रहे हैं मैं वैसा नहीं कर सकता। जितना कहा जाता है उतना करो। नहीं हो सकता, एक बार नहीं बल्कि दोबारा भी। शो खत्म हुआ। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। हाँ ठीक है, बॉस ने बुलाया। दीदी सयाको, कमाल कर दिया तुमने। दीदी हो तो ऐसी। जो भी किया है मास्टर सोरानो ने किया है,
स्टूडियो वापस चलते हैं। जापान वासियों नमस्कार, एक बार फिर इस लड़की ने हमारे देश को बचाया है। आइए इस घटना पे शुरू से एक नजर डालें। आप देख सकते हैं कि उस लड़की ने हमें किस तरह से बचाया। ओ, हमें एक लाइव रिपोर्ट मिली है। अभी अभी पुलिस एनबी के टेलीविजन में पहुंची है, देखते हैं वहां पर क्या बरामद होता है। एनबी के टीवी के हाईजैक होने के तुरंत बाद दोसाकू और आई कहीं गायब हो गए हैं। पुलिस ने इस घटना के खतरे को जान लिया है और छानबीन के लिए उन्होंने सोनेन ग्रुप हेडक्वार्टर्स पे छापा मार दिया है। कहां है सब लोग? कोई है? कोई है? कुमायना, कहां है कुमायना? आखिर हुआ क्या? हमारा प्लान तो एकदम ठीक ठाक था। अफसोस, सब गड़बड़ हो गई। नहीं, हमने नहीं सोचा था कि वो लड़की बीच में आएगी। हमने तायो सुरानो को समझने में भी बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारा प्लान फेल हो गया, तुम्हारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। उस लड़की की वजह से इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, सब कुछ खो दोगे तुम। नहीं, 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 नहीं। बिल्कुल ठीक, जी भर के गुस्सा करो, दिल में नफरत भरो। अब समय आ गया है तुम्हारी पिछली योजना पे काम करने का, एक आखिरी कोशिश। हम यहाँ अपनी मसीहा मिस सयाको अमानुकावा के स्कूल में हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ मीडिया और आसपास के लोगों की भीड़ जमा है उसकी एक झलक पाने के लिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनसे कुछ बात हो सके और पता लगाते हैं कि उन्होंने ये लाजवाब काम कैसे किया है। तुमने जो सुनामी के साथ किया वो वाकई कमाल का था। क्या वो सब तुमने यूं ही ऐसे कह दिया था? दरअसल ओ, बताओ ना सयाको, हम तो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, तुम हमें तो इस बात का राज बता सकती हो। अब बताओ हमसे क्यों छुपा रही हो? स्कूल प्रसारण क्लब भी यहाँ है। हाँ, पर तुम्हारे पास हम सबको सच्चाई बताने का ये बहुत अच्छा मौका है सयाको। ये प्रोग्राम हम स्कूल के अंदर कर रहे हैं तो क्या हुआ? लेकिन मैम, सयाको नॉर्थ गेट पे इस समय कोई नहीं है। अब भी मौका है सयाको, जल्दी जाओ, निकलो जल्दी। थैंक यू, बाय। और मौका है वारदात पर हमें आपकी बेटी का सेलफोन मिल गया। बताइए इंस्पेक्टर, क्या उसे किसी से खतरा है? शुंता, मैंने कहा ना ऊपर जाओ। शुंता, कोई बात नहीं, वो अकेले रहना नहीं चाहता होगा। क्या आपको कोई अंदाजा है कि किसने उसे कुछ किया होगा? किसी पे शक? सच पूछे तो इसमें जरूर अराई का हाथ होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं आखिर वो करना क्या चाहता है। कोई तो है जो अराई को काबू कर रहा है। मतलब प्रेत आत्मा? तुम सही कह रहे हो हैरी, बेचारी प्रेतात्माएं तो पहले से भी ज्यादा डरी हुई हैं। उसे डर है कि बुद्धा अपना उपदेश देंगे और उनके शिष्य उसका दुनिया भर में प्रसार करेंगे। अगर लोग अपने मन को शुद्ध कर लें तो दुष्ट दानव और असुर उन पर असर नहीं कर पाएंगे। बहुत कम लोग नरक में जाएंगे और नरक ही मिट जाएगा, दानवों को रहने की जगह ही नहीं मिलेगी। इसीलिए वो बहुत डरे हुए हैं, और अगर वो हार भी जाते हैं तो कोई धर्म में विश्वास नहीं करेगा। मैं देखता हूँ कितना अधर्म होगा। इस समय संसार को सच्ची आस्था की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। हेलो, क्या वो है? तोसाकू अराई जो टीवी चैनल पे कब्जा करने के बाद गायब हो गए थे। हाँ, ये तो दीदी है। क्या कहा तुमने? रहस्यमयी लड़की के साथ नजर आ रहे हैं जो लापता हो गई थी, और ये ताजा तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर देख। सयाको, मारी, हमें पता चल गया है कि इस वक्त सयाको कहाँ है। वो अभी डोम स्टेडियम में है। ठीक है यूकी, जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचो। हमें भारी तादाद में दर्शक मिलेंगे। कैमरा वन साइड शूट करना समझ गए? बाकी सब कैमरे जितना पास हो सके चले जाओ, जाते रहो।
और पास। जानती हो ना कि तुम्हें क्या कहना है। जापान की सारी जनता के सामने कहो कि मैं बुद्धा हूँ। ज्यादा होशियारी मत दिखाना। कोई मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। तुम्हारे कहने पर वो जरूर विश्वास करेंगे। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, छोड़ दीजिए मुझे। 50,000 लोगों की जिंदगी तुम जोखिम में नहीं डालना चाहोगी। हमने पूरे स्टेडियम में जगह जगह पे बॉम्ब लगाए हैं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो वरना। लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से सुनिए। मैं सयाको अमानोकावा, जिन्होंने एक दिन उड़ंत अश्तरियों से टक्कर ली थी, वो आज एक खास ऐलान करने जा रही हैं। वाओ, मारी किमुरा। युकी, अराई, अब बहुत हो गया। वाह, जरा नजर उठा के देखिए तो सही कि कौन आया है। देशद्रोही मारी किमुरा। अराई, बुद्धा का नाम बदनाम करना इसी वक्त बंद करो। चलो देखें कि असली बुद्धा कौन है, वो असली है या मैं हूँ। अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही बोलना, समझी? नहीं, मैं अपने ही लोगों से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती हूँ। असली बुद्धा है। क्या तुम इन सबको मारना चाहती हो? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी आस्था यहाँ मौजूद इन 50,000 लोगों की जिंदगी से ज्यादा अनमोल है? नहीं। इसके अलावा जब तुम खतरे में हो तो सोरानो तुम्हारी मदद के लिए क्यों नहीं आए? कहाँ है वो? ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो असली बुद्धा है तो वो अपनी प्यारी शिष्या को मुसीबत में नहीं छोड़ेंगे, है ना? नहीं, मैं सच कहूंगी। तो अब तुम बता दो सबको। असली बुद्धा है। हा? असली बुद्धा है, और वो भी इस युग में जब बुद्धा का पुनर्जन्म हुआ। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक जगत या भगवान या किसी और शक्ति के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैं उन मासूम जनता को पाखंडियों से बचाने की कोशिश कर रहा था। क्या वाकई ये सब झूठ है? जैसा कहता हूँ वैसा करो। क्या मैं उसकी बात मान लूँ? अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरे सामने घुटने टेक दो। घुटने टेक दूंगी तो क्या मेरी जान बच जाएगी? जब मैंने इन मन की शिक्षाओं को पाया तो मेरा दिल भर आया। मन की शिक्षाएं। मैं वाकई दिल से सत्य को जानना चाहता था, और तभी मेरी मुलाकात हुई। सत्य को जानना? तुम्हारे पास हम सबको सच्चाई बताने का ये बहुत अच्छा मौका है सायाको। सच कहना। क्या तुम अपना मिशन पूरा करने नहीं आई हो? मैं अपना मिशन जरूर पूरा करूंगी। तो सुनिए, असली बुद्धा है मास्टर तायो सोरानो। सयाको, यकीन कीजिए यही सच है। दोस्तों, जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाइए। सयाको, सयाको, इसकी हालत खराब लग रही है। लगता है इसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया है। सयाको, बेचारी लगता है बुरी आत्मा की चपेट में है, सिर्फ इसलिए कि वो यही कहने की कोशिश कर रही थी कि मैं बुद्धा हूं। नादान लड़की। बहरहाल, यहां जो कुछ भी हुआ वो इस बात का पक्का सबूत है कि मैं ही इस युग का बुद्धा हूं और हमेशा रहूंगा। अब साथियों सुनो, आओ खड़े होकर असली बुद्धा के आगमन का जश्न मनाएं। अराई, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो तुम आ ही गए तायो सोरानो। लोगों को आतंक और भय से सताने के बजाय दया के साथ हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये बकवास बंद करो। तुम्हें मालूम नहीं कि ये दुनिया कितनी कठोर है? यहाँ सिर्फ वही जी सकता है जिसके पास ताकत है। तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए अपनी कम अक्ल से बुद्ध की अनमोल शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ रहे हो, उनका गलत उपयोग कर रहे हो। तुम सबको यही दिखाना चाहते हो
कि तुम सत्य का सबक सिखा रहे हो, सच्चा ज्ञान दे रहे हो, पर तुम्हारे दुष्ट मन में सत्ता की अमिट लालसा है, सत्ता की भूख है, बस और कुछ भी नहीं। खामोश! तुम जैसा धोखेबाज भला जानता ही क्या है? सिर्फ इसलिए कि तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो। तुम्हें दूसरों को कभी डराना नहीं चाहिए, उन्हें और उलझनों में नहीं फंसाना चाहिए। सिर्फ अपनी ही खुशी के बारे में सोचना, अपनी ही खुशी में खोए रहना मूर्ख लोगों की फितरत होती है। अगर आप सिर्फ अपनी खुशी का ही ख्याल रखेंगे तो ये बात आपको आपकी आध्यात्मिक मौत की दिशा में ले जाएगी। अपने जीवन को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। इनका कहना बिल्कुल सही है। तायो सुरानो, इतनी जल्दी मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा। क्या हो गया? संभल के। मानता हूं तुम शक्तिशाली हो, अब मैं अपने आप को कभी बुद्धा नहीं कहूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। पर क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि तुम मेरे प्यारे शिष्यों को नहीं ले जाओगे? मैं बुद्ध की उन संतानों को कभी नहीं छोड़ सकता जो दुख झेल रहे हैं, जो सत्य से अनजान हैं। अच्छा है, सुन के खुशी हुई, बहुत खुशी। सुरानो हमें बचाएंगे। ये तो काफी चमत्कारी है। तुम में अब भी बहुत शक्ति है, बहुत ताकतवर हो तुम, लेकिन जरा इसे देखो। ये तो गलत हो रहा है। सुरानो, अगर तुम बुद्धा हो तो तुम अपने शिष्यों को छोड़ नहीं पाओगे। अब जरा जल्दी से साबित करो कि तुम बुद्धा हो। मास्टर सुरानो,
धरती पे जन्म लेने वाले बुद्ध पूजनीय हैं, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं उन्हें शक्ति व ज्ञान बोध, प्रकाश और प्रेम व दया प्रदान की है। बुद्धा पूरी शक्ति के साथ धरती पर अवतरित हुए थे। बुद्धा ने युग के मूल्यों, युग की धर्म परायणता, युग की भलाई और युग की सच्चाई को निर्धारित किया। उन्हीं का नाम बुद्धा है। अगर आप जागृत बुद्धा की सीख को दूषित करेंगे, उनका अनादर करेंगे, तो वो इस जगत, इस ब्रह्मांड की महान आत्मा का निरादर होगा। दुष्टात्मा, जाओ यहां से। सयाको, सत्य के मार्ग पर चलने वालों को उलझाना, उन्हें गुमराह करने से शिष्यों के बीच एकता को तोड़ने का पाप माना जाएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे सजा मत दो, मुझे छोड़ दो। हम इंसान हैं, हो सकता है कभी मन में गलत विचार आ जाए। हम इंसान हैं, हो सकता है हमसे कोई गलत काम भी हो जाए। हम इंसान हैं, बहुत सी कमियों के पुतले हैं हम। हमें हर दिन इस प्रलोभनों से भरे संसार में जीना पड़ता है और उनका सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें अपनी कमियों को हटाने का, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का रास्ता मिल रहा है और इसे ही आत्मचिंतन कहते हैं। आत्मचिंतन, बुराई को जड़ से मिटाना? लेकिन मैंने तो तुम्हें जान से मारने का प्रयत्न किया था। पर सच में देखा जाए तो आप भी बुद्धा की संतानों में ही से तो एक हैं। क्या लगता है यही सच्चे बुद्धा है? अपने गलत कर्मों को जांचो, देखो, परखो और बुद्धा की संतान बनकर उठो। क्यों? उसने शक्तिशाली दुष्टात्माओं से टक्कर ली थी। ये बहुत बहादुर थी दीदी। पर मुझे अभी उसे बहुत कुछ बताना है।
मैं जा रही हूँ। लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, पर हे, अब जाग भी जाओ, कब तक आंखें बंद रखोगी? मुझे तो यकीन नहीं होता तुमने ये कैसे किया। तुम वाकई आगे की कभी नहीं सोचती है ना? योगी, क्या मैंने वहां सच कहा? हाँ बिल्कुल ठीक, सया को तुमने अपने शब्दों में उसे समझा दिया। शुक्रिया। आई लव यू। क्या योगी? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये सब अब क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं तुम हर पल मेरे साथ रहो। सच? दीदी जिंदा है। सया को, ये तो चमत्कार है। This movie is encoded by toonworld4all.in. बुद्धा और उनके शिष्य हमेशा इस धरती पर ऐसे युग में जन्म लेते हैं जब लोगों का मनोबल कम हो और संसार अंधकार में डूबा हुआ हो। ऐसे समय में बुद्धा के शिष्यों के जन्म लेने का एक उद्देश्य होता है। तुमने हमेशा मानव के दुख और दर्द के समय ही जन्म लिया है। मेरे प्यारे शिष्यों, इस जीवन में तुम सभी को दोबारा अपने सामने देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। दोबारा तुमसे मिलकर मुझे बहुत तसल्ली हुई है, बहुत खुशी मिली है जो मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। मेरे शिष्यों, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम सबको वचन देता हूं कि धर्म की हानि होने पर मैं फिर से जन्म लूंगा। इस युग में मेरा पुनर्जन्म होगा और मैं तुम सभी के साथ मिलकर बुद्ध भूमि को आदर्श भूमि बनाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। मैं तुम सबको वचन देता हूं कि धर्म की हानि होने के समय नए धर्म की स्थापना के लिए मैं धरती पर अवतरित होऊंगा। ध्यान से सुनो मेरे शाश्वत शिष्यों, मेरी आवाज पर विश्वास करो, मेरे संदेशों पर जागो, उठो उन पर अमल करो, मेरे बताए पथ पर चलो, आगे बढ़ो, मेरे संदेशों का पालन करो। मुझे देखो, मैं ही बुद्धा का अवतार हूं।
हैरी अपना ख्याल रखना। यूकी मेरे दोस्त जल्दी मिलते हैं। क्यों क्या कहते हो? सबको बता दूं मैं कि बुद्धा का हमारे देश में पुनर्जन्म हुआ है। हैरी तुम में प्रकाश दिख रहा है। अरे सया को क्या तुम्हें फिर से वो सब दिखाई दे रहा है? पर अब मैं उसे कंट्रोल करना सीख गई हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साया को जब तक तुम रहोगी तब तक यूकी और इस देश को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पता है यूकी, मैं इस सत्य को दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं सत्य को फैलाने वालों के साथ मिलकर एक बिल्कुल नई दुनिया की रचना करूंगा। एक बात पूछूं? तुमने जो मेरे सपने में कहा था क्या वो सच है? मुझे एक एक शब्द याद है, क्या मैं उन्हें दोहराऊं? Look up at the sky. We can see it in the blue sky. There's nothing but the sun of truth that's always watching over us. Oh, why is it there? No one questions why. Illuminating, shimmering, it still keeps shining on. There is one and only sky. There is only one Buddha. He's the only one on this earth, because he speaks the words of life. He goes all preaching the law. We thank you so much, Buddha, the true light of the world. When you return to the other world, this world will be in darkness. People will be set from losing you, and we'll suffer. Or women will shed their tears, and men will cry and mourn. All the creatures will sing a song of tears that will echo through the world. Goodbye, Buddha. Just say those words to you. 2500 years have passed. Follow your laws in the darkest night. Disciples have kept turning the wheel of Dharma. You will never come back, as there is no need for you to return again, because you have you return.
again. His words became a villain. Dented up the darkness, and he descended to earth again to guide his disciples once more. It's the dawn of the day. Lord, get to be.